वेलोसिटी ऑफ इमेज, हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट मूव करती है तो हमारी इमेज भी मूव करेगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रही है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो हम देख सकते हैं कि यार ये भी हमारी इमेज भी इस तरफ चलेगी 1 मीटर पर सेकंड से। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, है ना। अगर हमारी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करती है 1 मीटर पर सेकंड से तो यहाँ पर हमारी इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी 1 मीटर पर सेकंड से। इस तरीके से 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम पता चली। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है। देखो अगर हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो इधर हमारी वेलोसिटी थी +1 मीटर पर सेकंड, +1 मीटर पर सेकंड। इस तरफ हो गई हमारी -1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, लेकिन इस केस में हमारा साइन चेंज नहीं हुआ है। अगर ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो अभी भी यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे भी +1 है। हाँ, तो फर्क पड़ता है कि हमारी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और सुनो, अगर हमारा मिरर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा। देखो इस बार ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, मिरर इस तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो मान लो 1 सेकंड में हमारे मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। 1 सेकंड में हमारे मिरर ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 5 मीटर का। अब अगर मिरर यहाँ तक आ जाएगा तो हमारी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डबल इधर आना पड़ेगा, है ना, 2x आना पड़ेगा। तभी जाके तो ऑब्जेक्ट का मिरर से और मिरर से इमेज का डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो हमारी इमेज को चलना पड़ेगा 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे इमेज की जो वेलोसिटी होती है, इमेज की वेलोसिटी इस तरफ आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि 1 सेकंड में मिरर 5 मीटर चलता है, इमेज 10 मीटर चलती है, तो इमेज की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, डबल हो गई मिरर की वेलोसिटी। अब अगर इसको हमें और कॉम्प्लीट करना है तो मिरर को भी मूव कराओ, ऑब्जेक्ट को भी मूव कराओ, फिर देखो क्या होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ इमेज बनी हुई है। ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रही है 1 मीटर पर सेकंड से, मिरर इस तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ इस इमेज की स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो ये काफ़ी कोलिजन जैसा सवाल हो गया। कोलिजन में क्या होता था, एक वॉल होती थी, वॉल इस तरफ मूव करती थी और इधर उसके बॉल आ रही होती थी। कोलिजन के बाद इसकी इमेज की कुछ वेलोसिटी हो जाती थी। वहाँ पर इन दोनों की ही वेलोसिटी से फ़र्क पड़ता था कि जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी होने वाली है वो कितनी होने वाली। यहाँ पर भी हमें कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन होता था कोलिजन में। यहाँ पर हम मिरर के ऊपर बैठ जाएंगे और मिरर के रिलेटिवली देखेंगे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, देखो मिरर से हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है सीधे सीधे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ से हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसी भी इमेज की वेलोसिटी पता करने का। तो इस केस की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म में वैल्यूज डालनी पड़ेगी। अगर हम इस डायरेक्शन को मान लेते हैं कि यार ये हमारा है प्लस एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाती है -5 मीटर पर सेकंड। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है +1 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू आ जाती है 2 × -5 -1 विच इज़ इक्वल टू -11 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल था, इस फॉर्मूले को बस याद रखना है हमें, ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस करें। यहाँ पर देखो इस बार हमारी ऑब्जेक्ट इधर मूव करती है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी मूव करती है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर हमारा मिरर इधर मूव करता है 10 मीटर पर सेकंड से तो इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अगर हमारी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है और सिर्फ मिरर मूव कर रहा है तो इमेज नहीं मूव करेगी। ये वैसे ही है जैसे हम कहीं खड़े होते हैं, सामने से ट्रेन जा रही होती है तो ट्रेन के कुछ कांच लगे होते हैं उसमें हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। ट्रेन भले ही 100 मीटर पर सेकंड से जा रही हो लेकिन ट्रेन में हमें हमारी जो इमेज दिखती है उन कांचों में वो मूव नहीं करती है, वो वहीं रहती है। तो मिरर कितने भी तेज़ी से मूव करे इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है अगर डायरेक्शन पैरेलल है तो, है ना, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है वो उसकी। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अगर मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाती है वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करें यानी कि मिरर की तरफ अगर आ रहा है तो वो हो जाती है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज हम बात कर रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन बोल देता हूँ मैं इसको, मिरर के पैरेलल ही चल रही है वो, है ना, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाता है एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास मिरर है जो इधर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, उसका कुछ एंगल है 37 डिग्री। तो यहाँ पे हमको इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कुछ कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। एक कंपोनेंट होगा जो मिरर की तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा जो मिरर के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 37 डिग्री का एंगल है तो इस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 5 cos 37 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो को साइन कन्वेंशन बना लेते हैं, हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको भी लिख देते हैं भाई, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4i cap + 3j cap meter per second, हमने लिख दिया। अब पता करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो पहले देखते हैं पैरेलल वाला, सिंपल वाला देख लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी तो इसकी जो इमेज होगी ना वो भी ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से ही जा रही होगी क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में वो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो फिर भी आ जाएगी, उसका जो जे कैप कंपोनेंट है वो हो जाएगा +3j cap, साथ में कुछ उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा। तो ये था हमारा वाई कंपोनेंट। अब देखते हैं एक्स कंपोनेंट में क्या हो रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, ये है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो ये है नेगेटिव, तो 2 × -3 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इस बार 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइनल आ जाती है -10i cap + 3j cap meter per second। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और उसकी स्पीड आ जाएगी √10² + 3² = 109 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे, वहां पर हम फिजिक्स में फोड़ देंगे। मेरी सभी क्लासेस लाइव हैं और फ्री हैं, जिनको एक्सेस कर सकते हो आप इस एड्रेस पे जाकर के। अच्छा, मेरी सभी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ITJEE हो, नीट हो, CBSE हो, फाउंडेशन हो, आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के डेली लाइव क्लासेस कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से, और वहाँ पे हर महीने नए नए कोर्सेज और बैच लॉन्च होते रहते हैं, और काफ़ी सारे टेस्ट क्विज दे सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत, और अपना फ्री प्लान भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है और मेरा इनवाइट कोड विक्रांत यूज़ करके अपना फ्री प्लान अनलॉक करना है। तो आ जाओ, मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग